क्या तुम आगे जाओ, मैं पीछे। अब लाइन तोड़ना अलाउ नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं है, क्या कोई नहीं है। डर के मारे हील नहीं पा रहे हैं बेटा। सबके सब डरपोक हो आप, मुझे के कुर्ला स्टेशन का कुली समझाए। हटो, डरो मत, अगर चिल्लाएंगे ना तो अपनी आवाज से डर जाएंगे। अरे आप तो अपनी आवाज से भी डर लगने लगा। मैं लाइट जलाता हूँ। हाँ जल्दी जलाओ, जल्दी जलाओ, रोशनी करो। ऊपर पानी डाल, फायर ब्रिगेड को बुला। अंधेरा कायम रख, जब तक अंधेरा है हम भी जिंदा है। मेरे बैग्स, मेरा पैसा। ये कहाँ गए हम? इसका इंट्रो तो दे। यही तो है भाया, भूतों का सरदार। सर तो गायब है, फिर कैसा सरदार? इनविटेशन हमें क्यों बुलवाया? किन्हीं खास कारणों से हम इस पृथ्वी लोक को छोड़कर जाने में असक्षम हैं। हमें इस बंधन से छुटकारा दिलाना हमारा काम है। इसने जो कहा वो भेजे में गयो भायो? नहीं, अधूरी इच्छा पूरी नहीं की तो महल में ही आत्माएं भटकती रही। इनकी आत्माओं को टेक ऑफ कराने के लिए इसने तारे को ही चुना है। अच्छा। हाँ, तारी तो भूत ने लॉटरी निकाल दी भाया। भूत जी, इस काम के लिए आपने मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि ढिंडोरा तू नहीं पीटियो। हमारी सक्सेस का मेन राज यह है कि मेरी फैमिली के सभी सदस्यों का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। ग्लैडिएटर भी इसी नक्षत्र का था, सॉरी ट्रांसफॉर्मर्स की फैमिली में यही कॉम्बिनेशन था। इतिहास गवाह रहा है कि ये सब बड़े तांत्रिकों की खूबी रही है, और मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस युग में हमारी ही ऐसी अकेली फैमिली है। मैं आपको बता दूं, हजार आत्माओं का मैं ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस रखूंगा, उनके साथ एग्रीमेंट करके उन्हें स्वर्ग का वीजा दिलवाऊंगा, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। आपने पोस्टर्स और न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट्स देखे ही होंगे, और एक आध पोस्टर मैंने आपके यहाँ भी लगाया।
मैं जब यहाँ आयो तब सभी भूत खड़े गौर से इसी इश्तेहार को पढ़ रहे थे। मुझे अंदर आते देखियो तो सारे दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दिए। अब सब थारे पर है, हम सबको बचा ले। ये इससे छोटे साइज का ऐड नहीं छपवा सकता था। ये आत्माएं पढ़ना लिखना भी जानती है। या मोटा भाई, या भूत मोटा भाई, सच तो ये है कि हमें तंत्र विद्या का टीवी नहीं आता। हम सब साधारण मनुष्य हैं, आपके किसी काम के नहीं। मेरी माँ यही है, चाहो तो उसी से पूछ लो। उसके सर की कसम, अगर झूठ बोलो तो फिर से अपना सर काट लेना। इस पापी पेट के लिए तंत्र के नाम पे थोड़ी हाथ की सफाई कर लेते, हमें क्षमा कर दे। घोसट बुढ़े लोगों को उनके मरे हुए रिश्तेदारों की आत्माओं से बात करवाने के नाम पर तांत्रिक होने का ढोंग करते हो, धिक्कार है। ना, बेड आइडिया। कासू, सच बोलना भारी पड़ेगा, हो इनसे कस्टमर की तरह डील करना। अच्छा तो इन्हें मोक्ष चाहिए ना, तो करते हैं कुछ। बचा ले भाया, भेज देंगे आपको। 5 मिनट का काम है, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मैं करता हूं कुछ। बापू, ये काम आप करोगे या मैं करूं? अरे छोटा सा काम है, तुम ही कर लो। ठीक है, मैं रास्ता निकालता हूं। भाई एक आइडिया आया है, पर मना मत करना। मैं घर जाता हूँ, चिल्ड तुलसी पानी में नहा के खुद को शुद्ध करके खाली पेट से काली देवी के नाम की मैं माला जपूंगा और चिल्ला चिल्ला के मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दूसरी दुनिया का परमिट मिल जाए। आपको नहीं मिला तो मैं ऑनलाइन दिलवा दूंगा। अरे भाई किसी और को भी चाहिए तो मुझे बता देना। अगर आप गेट खोल देंगे तो मैं ओला से जाऊंगा और ऊबर से आ जाऊंगा। मम्मी पापा ये दरवाजा खोल रहे हैं, आप सब रेडी हो जाओ। बैग मत भूलना। कैसे यकीन कर लो कि तुम सच बोल रहे हो? अगर मैं वापस नहीं आया तो मम्मी को गिरवी रख लेना। मुझ पर भरोसा कीजिए। भरोसा नाम के शब्द से ही भरोसा उठ चुका है मेरा। जो करना है 3 दिनों के बाद आने वाली नवकाली पूर्णिमा की रात को इसी 4 दीवारी में रहकर करना होगा। मेरा वादा है कि इस क्रिया के बीच किसी तरह का विघ्न नहीं आने दूंगा, और जब स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे तो इस महल के दरवाजे भी खुल जाएंगे। See you soon. तुम्हें यहाँ लाने का कारण मैं समझा चुका हूँ। ऐसी कोई वजह पैदा मत करना कि मुझे तुम्हारा वध करना पड़े। Wait, I'm coming. अच्छा तो ये है भूतों का सरदार। अब उन बैग्स के साथ ही मुलाकात होगी। पढ़ बोला कहीं का। कारण इस संसार में कुछ नहीं होता काश मोरा, उस कारण की खोज करो।
तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम अंदर कैसे आई? मैं कैसे आई हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम यहाँ कैसे पहुंची वो बात शॉकिंग है। जलपति राव याद है जिसने यहाँ का एड्रेस दिया था? जानते भी हो वो कौन है? नमस्कार देवी, मैं गुंटूर जलपति राव। जानती हूँ, आप वही है ना जो काशमोरा स्वामी से हेल्प लेने आए थे? कौन मैं? अगर मैं काशमोरा को जानता तो आपसे मिलने यहाँ क्यों आता भला? मैंने तुम दोनों का वीडियो रिकॉर्ड किया था, वीडियो में सिर्फ तुम दोनों दिखाई दे रहे थे और जिस जगह वो खड़ा था वहां कुछ अजीब सा था। वो एक आत्मा थी, एक असली आत्मा तुमसे मिलने आई थी। अब तो भूत भी तुमसे हेल्प मांगने आ रहे हैं, तू तो गया। क्या बात है सर। एक दुआ, ये बता दरवाजा बंद है तू अंदर कैसे आई? मैं जब आई तब खुले थे। क्या दरवाजे खुले हैं? हैं? चलो यहाँ से निकलते हैं। मम्मी आप देख लो घर चल के सो ना, घर जाके सो ना। चलो 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 जल्दी भागो रे। एक सेकंड रुको, तुम सब दुम दबा के भाग क्यों रहे हो? आते वक्त दरवाजा खुला तो नहीं छूट गया, कहीं भूत डर के भाग गए तो? वो वही बस चेक करने जा रहा था। हटो भाया, दरवाजा बंद हो जाए उससे पहले मारे को तो यहाँ से जाने दो। जल्दी करो भैया, आत्मा जाग गई तो। चलो आ जाओ। इन बैग्स में क्या है? पूजा का सामान है क्या? हाँ पूजा का सामान। सर वैसे पूजा में कौन सा सामान लगता है? यह सवाल पूछने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। चलना क्यों डाला? अब इतने दिन यहाँ रहना है तो कुछ राशन पानी तो चाहिए ना, वही लेने जा रहे थे। काशमोरा, मुझे तुम्हारी जरूरत है इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। रणभूमि पर जन्म लिया, अस्त्र शस्त्र के बीच पला बढ़ा, रक्त से होली खेली और लाशों पर चलकर सफलता पाई। एक और गलती की तो वो तुम्हारी आखिरी गलती होगी। समझ गया जी।